ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द होलो फेम, लेट्स स्टार्ट द होलो फेम। सो गाइज, आज हमारे होलो फेम के अंदर अंकित जी हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे कम्युनिटी के अंदर भी सेफायर रैंक को हिट करा है। टोटल अगर मैं बताऊं तो लगभग सिंगल डे की जो इनकम होती है $1,250, ठीक है। और टोटल अंकित आपकी कितनी अर्निंग हो चुकी है? ऑलमोस्ट सर 3.5 लाख रुपए समथिंग। 3.5 लाख रुपए 2.5 महीने के अंदर इन्होंने हमारी कम्युनिटी के अंदर अर्न करा है, ठीक है। एक अच्छी खासी पैसिव इनकम को भी एंजॉय करा है ना। इनसे जानेंगे कि भाई लास्ट प्लेटफॉर्म के अंदर भी थे, वहां पर पैसिव इनकम कैसी है, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको पैसिव इनकम कैसी क्या लग रही है। सो अंकित, मैं पहला सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं ना कि कैसा लगा आपको हमसे, हमारी कम्युनिटी में आकर आपको कैसा लगा? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे मुझे दो चीजें सबसे अच्छी लगी। एक तो यहाँ पे कि यहाँ पे पैसिव इनकम आपको रियल पैसिव इनकम और ज्यादा में मिलती है, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना है। अदर प्लान में होता है कि इन्वेस्टमेंट बार बार करना पड़ता है, लोग या तो प्रोडक्ट यूज करते हो जाते हैं या तो कोर्ट बेचते रह जाते हैं, बेचारे पैसा नहीं कमा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी चीज लगी, गाइस मैंने 9,300 ही लगाए थे, लेकिन आज 3.5 लाख रुपए कमा चुका हूँ, और इतने कम टाइम के अंदर। तो बाकी सारा पैसा मेरा सेफ बचा कि नहीं बचा, तो बस सर ये बिल्कुल सबसे अच्छी चीज लगी, और इसी पे बस लग के काम कर रहे हो तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, और बस ज्यादा नहीं बताना, बाकी के लिए आगे के लिए रखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यह कि अंकित, स्टार्टिंग से जर्नी स्टार्ट करते हैं। अंकित आप मतलब जैसे नेटवर्किंग में आने से पहले आप क्या करते थे, मतलब और क्या सिचुएशन थी, मतलब ठीक है थोड़ा अपने पास्ट के बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस जैसे कि सर स्टार्टिंग में मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था, जो कि हर एक बॉयज होते हैं। तो मैं क्या करता था उस टाइम पे, मैंने 11th 12th हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया है। तो उस टाइम पे मुझे एक माइंडसेट होता था, हॉस्टल में रहकर 18 साल की एज हुआ करती थी, घर वालों से हर हफ्ते 1,000 2,000 5,000 मतलब मांगने खर्चे के लिए, तो अच्छा नहीं लगता था। तो उस टाइम पे मैं सोचता था कि अगर मतलब कि कोई लाइक जैसे कि जॉब मिल जाए, 2 4 घंटे 5 घंटे, अगर महीने का 2,000 बस मिले ना तो भी बहुत है। उस टाइम पे मेरा माइंडसेट हुआ करता था, और मुझे आज भी वो चीजें फील होता है कि अगर स्टार्टिंग में मुझे मिला होता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी 1 CR हिट कर दिया होता 2 सालों के अंदर, है ना। तो वो चीजें मुझे रियलाइज हुआ। फिर मैंने बचपन में मेरा दो चीज का सबसे ज्यादा ड्रीम था, एक फोन का है और एक ट्रेवल का है, जो कि मुझे दोनों चीजें यहाँ पे ऑनलाइन फील्ड में मिला है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके, तो ओके 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 सर। बिल्कुल तो आप वो अपने चीजें बस मुझे अभी आपको पास्ट मतलब नेटवर्किंग में आने से पहले कैसी क्या चीजें चल रही थी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? बिल्कुल सर। तो उस टाइम पे मैंने 10th तक वैसे कोई अच्छा फोन मेरे पास हुआ नहीं करता था। तो मेरा एक ड्रीम था, मैं मतलब कि घर वालों से मैंने बोला कि मुझे एक OPPO A53 करके कुछ था, 5G न्यू लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट 16,000 उसकी प्राइस थी। तो मुझे मैंने घर वालों से बोला कि मुझे ये फोन चाहिए। तो फिर घर वालों, क्योंकि मुझे दो ही चीज का शौक है, एक ट्रेवल एक फोन, दो ही चीज, और किसी चीज का उतना नहीं है, इन दोनों का मुझे क्रेज है ना, कि मतलब इसके लिए कुछ भी, या तो घूमना या तो फोन। तो फिर मैंने घर वालों से बोला, तो घर वाले ने बोला कि अभी 10th तुम्हारा क्लियर हो जाए, पहले रिजल्ट आ जाए, पास हो गए कि नहीं हो गए तब लेके देंगे। तो फिर मैंने उस टाइम पे फिर बोले कि अभी नहीं, 2 3 महीना। फिर मैंने मैंने बोला चाहिए तो ये फोन चाहिए, नहीं तो मत देना। 3 महीना मैंने वेट किया, 16,000 उसकी कॉस्ट थी, मुझे आज भी याद है। लेकिन घर वालों ने क्या किया था उस टाइम पे, घर वालों का माइंडसेट होता ना कि देखो, जिसके बोलते ना घर वाले नहीं मानते, घर वालों को नहीं पता होता कि आईफोन और एंड्रॉइड में क्या फर्क होगा, वो यही सोचेंगे इसमें भी वीडियो चलता उसमें भी चलेगा। तो उनका था जहाँ पे घर वालों ने मुझे सरप्राइज रियलमी का C11 फोन ला के दिए थे, ऑलमोस्ट 12,000 उसकी प्राइस थी। 4,000 के लिए मैंने सोचा, एक हफ्ता तक फोन टच नहीं किया था, एक हफ्ता तक। मेरा छोटा भाई चलाता था, मैंने बोला इससे अच्छा मुझे फोन ही नहीं चाहिए, रख लो एक हफ्ता तक। फिर घर वालों ने बोला अच्छा ठीक है, 11th पढ़ाई करो, 11th के बाद तुम 12th में जाओगे, तुम्हें मिल जाएगी जो फोन चाहिए वो चीजें। तो फिर वो चीजें मुझे लगा, मुझे फिर लगा कि फिर मैं जब तो मैं घर पे था तो थोड़ा बदमाशी टाइप का था, हर बच्चे होते हैं। तो फिर जब मैंने हॉस्टल में घर वालों से दूर रह गए तो वो चीज रियलाइज किया यार कि घर वाले हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हम फिर भी उन पे गलत इल्जाम लगाते हैं। फिर मुझे वो चीजें फील हुआ, फिर मैंने सोचा कोई जॉब मिल जाए अगर कम से कम तो फिर मैं कर लेता हूँ। फिर गाइस मैंने बहुत सारा सोचा, मैंने ट्राई भी किया, ऐसा नहीं कि मैंने दोस्तों से भी पूछा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर उसके बाद जब 12th का मेरा लास्ट एग्जाम चलने वाला था तो मेरा एक दोस्त ने मुझे ऑनलाइन फील्ड मिलाया, ठीक है, ऑनलाइन फील्ड मिलाया। पहले होता था लोगों के डीएम करना तो नॉट इंटरेस्टेड, तो मेरा भी सेम वही था, नॉट इंटरेस्टेड नॉट फाइनेंशियल इंटरेस्टेड। कंडीशन कैसी थी अंकित आपकी फैमिली की, मतलब जब बिल्कुल आप सर, 12th में फैमिली थे? का डिटर, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और फैमिली कंडीशन तो अभी अभी फिलहाल मैं कमा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा बेहतर है फिलहाल। पहले नहीं था कि मतलब 16,000 का फोन अफोर्ड नहीं कर देते, मतलब घर वाले की बच्चों को देना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मतलब मेरे लिए सरप्राइज लाया था, मुझे पता भी नहीं था। फिर मैंने टच नहीं किया था, फाइनल कंडीशन बहुत ही खराब था, मतलब
लाइक घर में जी बस बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी, जो कि अभी मैं कमाने लगा तो हर एक चीज फुलफिल कर लिया, काफी सारे जैसे रूम सेटअप, अपना खुद का घर बनवा दिया, सेटअप कर दिया, ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए से ज्यादा घर में खर्चे कर दिया है ना। तो 20 साल की एज में ये करना, तो आज घर वालों को भी, आज मैं लखनऊ में शिफ्ट हूँ तो घर वालों को भी प्राउड फील होता है कि यहाँ लड़का कुछ कर रहा है, कुछ कमा रहा है, प्राउड फील होता है। और जैसे एक लोग बोलते हैं ना सर कि स्टार्टिंग में मैंने जब जर्नी को लाया था ना, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, हम लोग बचपन से पढ़ाई किए हैं, कक्षा 2 से लेकर 12 तक सेम हॉस्टल सेम कॉलेज, मेरे पूरे पूरे रिलेशनशिप में उसको जानते हैं, उसके सारे रिलेशनशिप में मुझे जानते हैं। जब उसने बताया मुझे, फिर मैंने ट्रस्ट किया। फिर अभी यहाँ पे आप लोग को मजे की बात पता चलेगी कि मैंने स्टार्ट किया तो वो मेरा प्लान था, सोचो मेरे से उसने 40-50 हजार रुपए कमाए थे पिछले प्लेटफॉर्म में। लेकिन गाइज अब यहाँ पे पॉइंट होती है आप लोगों के लिए सबसे प्लस पॉइंट, लोग आप लोग पता मार्केटिंग में फेल क्यों होते हो, आपका माइंडसेट ही बन जाता है कि हम लोगों को सिर्फ ज्वाइन करा के ही पैसा कमा सकते हैं, अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो कोई पैसा नहीं आएगा। लेकिन गाइज ये सरासर गलत है, सारा चीज आपका नॉलेज का है। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो लोग आपके साथ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो गए, ऑटोमेटिक। मेरे सोचो जो जो मुझे ऑनलाइन बिजनेस में लाने वाला गाइस आज 8-8 हजार की जॉब करता है, सोचो 8 हजार की 10 घंटे 12 घंटे जॉब करता है, उसका सिर्फ एक माइंडसेट ने उसकी पूरी करियर खत्म कर दी, ठीक है। तो लेकिन मैंने मैंने अपने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने आप को लर्निंग पे डाला, सारी चीजें मैं फेस करता रहा, उसको भी मैंने सेम चीजें सिखाया, लेकिन उसका सेम माइंडसेट में एक कीड़ा बैठ गया था कि लोगों को ज्वाइन करने से पैसा आएगा अन्यथा नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने 12th में स्टार्ट किया, फिर पिछले प्लेटफॉर्म में भी मैंने थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमाया, उसके बाद भी वहां से भी मैंने बहुत सारे अचीवमेंट किए। और गाइस ऑलमोस्ट जो मेरा ड्रीम्स हुआ करते थे ना, आज से 8 से 9 सिटीज में घूम चुका हूँ। और गाइस फोन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मैं वन प्लस फोन में मीटिंग कर रहा हूँ, iPhone 15 Pro Max है, S23 Ultra। गाइस आप 1,30,000 का 2 लाख का फोन ऑलरेडी लेके बैठा हूँ, वन प्लस में मीटिंग दे रहा हूँ, आप देख सकते हो सही सलामत सब कंडीशन में गाइस, 6 महीने इसको चले हुए हैं। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रही थी अंकित, मतलब या फिर पढ़ाई का क्या सीन रहा अभी? बिल्कुल सर, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो दीदी की शादी भी थी और ऊपर घर भी वगैरह बने थे, तो क्योंकि अब मिडिल क्लास फैमिली में होता है ना, तो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, पढ़ाई के ऊपर भी 8-15 लाख रुपए हो रहे थे, क्योंकि आई एम साइंस स्टूडेंट तो मुझे कुछ डॉक्टरी में ही करना था। तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी, जिसके कारण फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि यार क्या मतलब है इतना करने का, फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन अर्निंग पे ध्यान देने लगा। पढ़ाई आपने फिर ड्रॉप कर दी थी या फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी? मैंने 1 साल ड्रॉप कर दिया। गाइज आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो अभी जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं इस तरीके की चीजें ना सोच नहीं पाते हैं। अब अंकित के साथ क्या सिचुएशन हुई कि भाई फैमिली कंडीशन ही इतनी डाउन हो गई जिसकी वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर इनका ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट बना और ऑनलाइन के अंदर चीज़ें स्टार्ट कर दी, है ना। सो अंकित मैं इसी चीज़ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पूछूंगा, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ाई की स्टडी उनके मतलब पेरेंट्स वो बोलते हैं कि आप स्टडी कंटिन्यू करो, चीज़ें कंटिन्यू करो, लेकिन करते नहीं है चीज़ों को कंटिन्यू, है ना। और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे आपसे मेरी आज ही बातचीत हुई थी, बोला कि अब तो सर पैसे भी हो गए हैं, अब मैं सोच रहा हूँ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लूँ साथ के साथ। तो बहुत सारे लोग, देखो गाइस अपने को ना पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है साथ के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन कंडीशन इतनी डाउन हो जाती है कि कर नहीं पाते हैं, ठीक है। हमें पढ़ाई भी साथ के साथ करनी है और अपना जो ऑनलाइन बिजनेस है कुछ भी चीज़ें साथ में करनी है। तो आज मेरी इनसे बातचीत हुई, बोला कि सर उस टाइम तो पैसे इतने मतलब पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे कि मतलब स्टडी नहीं कंटिन्यू कर पाया, और अभी ऐसा सीन है कि मतलब मैं पैसे मेरे पास हो गए तो मैं अभी सोच रहा हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूँ दोबारा से, ठीक है, और साथ के साथ मेरा ऑनलाइन बिजनेस जो चल ही रहा है वो चीज़ें मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अच्छा एक और चीज़ अंकित, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मतलब बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स मना कर देते हैं, तो आपके पेरेंट्स ने मना करा था चीज़ें या फिर आपने बिना बताए स्टार्ट कर दी थी? बिल्कुल बिल्कुल सर, उस टाइम में क्या था कि मेरे पास स्टार्ट करने के लिए बहुत लोगों को क्वेश्चन आता, पैसे नहीं थे गाइस। मैं सच बताऊं मेरे पास भी पैसे नहीं थे, 12th में 3,000 स्कॉलरशिप आया था, 2,000 रुपए अरेंज करने में मुझे पता है 10 दिन लगे थे गाइस। मैंने सारे जो होते ना
फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त, जो लोग बोलते हैं ना कि तुम कुछ नहीं है वो दुनिया, मतलब बहुत सारे बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का ये कर रहा है, भाई आप उनसे कभी पैसा मांग के देखना, ज्ञान हर कोई देता है लेकिन पैसा कोई नहीं देता है। सेम बिल्कुल सिचुएशन मेरे साथ हुआ था, जो दोस्त बोलते थे तेरे लिए मर जाएंगे कर जाएंगे, उनसे मैंने जब 2,000 मांगे थे गाइस 10 दिन तक मुझे नहीं मिले थे, और लास्ट में जाके मुझे फैमिली से ही पैसे मिले थे। उस टाइम पे स्टार्ट किया, मतलब घर वालों को एक मेरे ऊपर बिलीव था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मतलब उतना भी खुराफाती नहीं था, आज तक मैंने कोई नशा वगैरह नहीं किया है, तो घर वालों पे ट्रस्ट है कि मतलब कुछ करेगा तो अच्छा काम करेगा, तो ऐसे भी करके पैसे दे दिए थे कि जाओ जो करना करो। तो फिर मैंने भी वही चीज, फिर घर वालों को ये नहीं पता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, फिर मैंने कुछ किया, फिर उसके बाद ये होता ना कि मीटिंग देना, डिस्कस करना, तो स्टार्टिंग में मेरे अभी पड़ोसी, उसके बाद मेरे घर वाले ही बोलते थे कि ये पागल हो जाएगा, ये कर रहे क्या, क्या दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, पड़ोस वाले तो ऑलरेडी बोलते रहते हैं। लेकिन जब घर पे बैक टू बैक अचीवमेंट ना, जो भी चीजें थी, जैसे लाइट की प्रॉब्लम थी, मैंने पूरा इन्वर्टर लगवा दिए, पानी की दिक्कत थी, पूरा टंकी वगैरह सारे बैठवा दी, पूरे 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 ऊपर से नीचे तक टोटी सप्लाई करवा दिया, पूरा गाइस मतलब मेरे पूरे क्षेत्र में मेरे जितना अच्छा घर किसी का नहीं है, मतलब पूरा पीओपी, पूरा सारी चीज मेंटेन, पूरा सेटअप मैंने अपने घर पे सारी चीजें करवा दिया है। तो क्या घर बात। वालों ने जब अचीवमेंट देगा, पूरा सेटअप देगा, घर वालों को भी कोई भी पैसे चाहिए होते तो दे देते हैं, तो वो चीज जब घर वालों ने अचीवमेंट देगा तब उनको ट्रस्ट हुआ कि हाँ लड़का कोई अच्छा काम कर रहा है। तो ग्रेट गाइस देखो, किसी के पेरेंट्स मानते नहीं है, अगर आप उनसे रिजल्ट करके दिखाओगे ना तब जाके वो आप पे बिलीव करेंगे। जैसे बिल्कुल होता ना कोई बच्चा, टीचर आप पे क्यों बिलीव करेगा जब आप उनको अच्छे मार्क लाके दिखाओगे, सेम वही सिचुएशन स्टार्टिंग में हर कोई बोलेगा, लेकिन जब उनको करके दिखाओगे ना। और सबसे मजे की बात यह है कि गाइस जब मैंने स्टार्ट कर लिया था ना, एक बंदा बोला था कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपका 5,000 रुपए डूब गया, ठीक है, एक बंदे ने बोला कि आपका 5,000 रुपया ऑलमोस्ट डूब गया। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसने खोल के दिखाया। अब लेकिन आज जब गाइस मैं 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का फोन लेके पहुंचता हूँ, तो वही बोलते हैं कि मुझे पता था तुम कर लोगे, हम लोग बिजनेस वाले, हमारे पास टाइम नहीं रहता, मुझे पता था तुम कर लोगे। तो गाइस जब उनको करके दिखाओगे ना तब वो खुद बोलेंगे मुझे पता था कि तुम कर लोगे। तो लोग ऐसे हैं, तो लोगों पे बिलीव मत करो, आपका जो चीज चाहे अपने प्लान पे बिलीव करो, सिस्टम पे बिलीव करो, और स्टार्ट करो, देन मेहनत करो, और सारी चीजें पॉसिबल है गाइस। बिल्कुल इन्होंने एकदम सही चीज़ें बोली हैं कि अपने ऊपर बिलीव करना है, सिस्टम के ऊपर बिलीव करना है और खुद के ऊपर विश्वास करके बस चीज़ों को करते जाना है, ऑटोमेटिकली चीज़ें होती चली जाएंगी। अच्छा अंकित, आप ऑलरेडी एक एक्स सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे, वहाँ पर आपकी ऑलरेडी अच्छी अर्निंग चल रही थी, तो फिर आपने अर्नर कम्युनिटी को क्यों चूज़ करा? बिल्कुल बिल्कुल गाइस, सर पहले पहली बात, वहां पे हम पैसा कमा रहे थे लेकिन हमारी टीम नहीं पैसा कमा रहे थे, क्योंकि टीम वालों को उतना मतलब टीम वाले उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी चीज कि वहां पे बार बार री इन्वेस्टमेंट होता था जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर अर्नर कम्युनिटी को मैंने देखा समझा, और वहां पे सबसे मेन चीज पैसा तो मैं कमा रहा था, सारी चीज मिल रही थी, लेकिन गाइस मेरा दूसरा ड्रीम तो ट्रेवल, मतलब घूमने का शौक है, वो चीज मुझे वहां नहीं मिल रही थी। टीम ने भी लाखों रुपए कमाए लेकिन टीम से कभी 1 सालों में मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन गाइस वरना कंप्यूटर में 2 महीने में करके दिखा दिया। और गाइस ऑलमोस्ट अभी नेक्स्ट मंथ हमारा नेपाल का ट्रिप है 4 दिन का, उसके बाद 2 महीने बाद गोवा, जनवरी में दुबई, मार्च में दिल्ली, गाइस 6 महीने में 4 ट्रिप फ्री है, अभी 4 ट्रिप अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्रमोशन भी हो चुका है गाइस। तो ये चीजें मुझे सबसे अच्छी लगी, और यहाँ पे एक्टिव के साथ पैसिव इनकम भी है, इन्वेस्टमेंट वन टाइम है, और जो चीजें चाहिए था वो मुझे अर्नर्स कम्युनिटी में मिल रहा है, लो तो मुझे गाइस, सबसे अच्छी ये लगी। अभी आपको अर्नर कम्युनिटी के सारे फायदे बता दिए कि भाई अर्नर कम्युनिटी में ज्वाइन करने के वन इन्होंने लास्ट प्लेटफॉर्म में क्यों छोड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बहुत सारे रीइन्वेस्टमेंट, मतलब आप कमाते हो उतना ही आप लगा देते हो, जितना आ रहा है उससे ज्यादा लग जा रहा है, ठीक है। हम क्या वहां पर क्या होता है कि अंकित जी ने क्या बोला, मैं तो कमा रहा था लेकिन मेरे बहुत सारे टीममेट्स थे जो अर्निंग नहीं कर पा रहे थे इन्वेस्टमेंट के कारण। दूसरी चीज गाइस, आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बोलेंगे 10% मंथली रिटर्न मिलेगा, ठीक है, और मतलब आपको पर डे का रिटर्न मिलेगा, 100 का 200 हो जाएगा, 200 से ये नहीं बताते, 100 से 0 भी हो जाएगा, तो इन सारी चीज़ों से अपने को ऑलरेडी बच के रहना है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट इन्होंने क्या बताया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अर्नर कम्युनिटी में। तीसरा क्या बेनिफिट बताया कि एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम भी है। चौथा क्या बेनिफिट बताया कि अर्नर कम्युनिटी में इनकम है, इनकम के साथ साथ अब इन्होंने दो चीज बताई थी, मेरा फोन लेने का शौक था तो फोन भी ले रहे हैं, और दूसरा ट्रैवल का शौक, तो मेरा भी साथ साथ अंकित सेम है ट्रैवलिंग करने का, मेरे को सच में बहुत, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी करता हूँ, ठीक है। अभी 15 दिन से मैं लगातार ट्रैवलिंग ही कर रहा था, ठीक है, लेकिन 15 दिन की इनकम भी अच्छी खासी हो रही है। ये बेनिफिट है हमारे सिस्टम का, एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अंकित इसी चीज के ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल सर, और एक चीज ये भी है, और गाइस जो मेरा सफायर रैंक हुआ है ना, सोचो 100 पॉइंट,
तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माय ग्रेट मेंटर मिस्टर मोहित सर, धीरेंद्र सर एंड तुषार सर एंड अंकित सर और गाइस एंड ऑल अर्नस कमेटी टॉप लीडर। और गाइस थैंक यू सो मच माय टीम मेंबर, जो कि गाइस सोचो मैंने एक्टिव मैंने मतलब सप्लायर लेवल 100 पॉइंट होता, 100 पॉइंट में सिर्फ 2 पॉइंट किए गाइस, 98 पॉइंट मेरी टीम ने किया गाइस। मेरी टीम में गाइस रूबी अचीवर है, प्लैटिनम अचीवर है, गोल्ड लेवल 4 से 5 अचीवर है, ब्रॉन्ज सिल्वर वालों की गिनती नहीं गाइस। तो मतलब मेरी टीम में भी मैं अकेले पैसा नहीं कमा रहा, और ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ मेरी टीम में सोचो अगर 3.5 महीने कमाए मेरी टीम में 2.5 लाख कमा के बैठे हैं, क्या बात है, 1.5 लाख मेरी टीम में कमा के बैठे हैं, 1 लाख, 50 हजार, 60 हजार, गिनती नहीं इन लोगों की। गाइस तो ये मुझे कम नहीं बोल रहा कि 3.5 लाख मैंने कमाए, आज मुझे ये प्राउड फील हो रहा है कि मेरे साथ जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे रोड मैप पे चल रहे हैं, सिस्टम के रोड मैप पे ट्रस्ट करके काम कर रहे हैं, तो गाइस वो भी 2-2, 3-3 लाख रुपए ऑलमोस्ट कमा चुके हैं, इस बात का और प्राउड है। गाइस इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले कि पता जरूरी नहीं कि मैं कमा रहा हूँ, मैं तो पहले भी कमा रहा था, मैं तो अभी भी कमा रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, मेरे टीममेट कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ये हमारे सिस्टम की पावर है, पावर ऑफ अर्नर कम्युनिटी। बहुत सारे लोग अंकित सर की टीम में आए थे स्टार्टिंग में, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था हो पाएंगी चीज़ें, नहीं हो पाएंगी, लेकिन इनके साथ आए और इन्होंने बताया जिनका नाम लिया वही मना कर रहे थे कि अब मेरे से चीज़ें हो पाएंगी नहीं। आज वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अर्निंग करके बैठे हैं, ठीक है। इनके रियल ब्रदर 1.5 लाख रुपए के करीब करीब अर्निंग करके बैठे हैं, टीम के अंदर प्लेटिनम भी रूबी भी। और इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ पता क्या बताई, हमारे जो अर्नर कम्युनिटी की पावर पता क्या है, पैसिव इनकम। अगर एक बार हम यहाँ पर एफर्ट डाल देना, इन्होंने स्टार्टिंग में आके बहुत मेहनत करी है, जो लोग 6 महीने में मेहनत करते हैं ना, इन्होंने 1.5 महीने के अंदर दिन रात एक करा स्टार्टिंग में आने के बाद, मेरे को खुद पता है इनकी चीज़ें। और आज जो ये चीज़ें कर रहे हैं वही टीम के अंदर डुप्लीकेट हो रही है, जिसके कारण क्या बताया सिस्टम के अंदर पैसिव इनकम, ठीक है। बहुत सारे मार्केट में एक्टिव इनकम होती है, पैसिव इनकम भी बोलते हैं, नाम नाम की होती है, लेकिन रियल में इन्होंने क्या बताया, 100 पॉइंट होते हैं सेफायर के, जिसमें से 98 पॉइंट टीम ने करके दिए और 2 पॉइंट इन्होंने करे। ये पावर अपने प्लेटफॉर्म की, ये पावर इनके टीम की गाइडेंस की। मतलब 1.5 लाख का टोटल पैसिव इनकम, 1.5 लाख टोटल बिना कोई काम किए, 1.5 लाख रुपए बिना कोई काम करे, ठीक है। मार्केट में बोलते हैं ना बिना काम करेगा, यहाँ पर रियली में आपको जो चीजें बताई जा रही है, और आपको इनकी एक्साइटमेंट से ही चीजें नजर आ रही होंगी कि भाई साहब कैसी क्या चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं पूछने वाला था कि भाई कॉलेज कॉलेज में आप चीजें कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में अपन है नहीं, ठीक है। तो आप बाकी कुछ लाइनों के अंदर, चंद लाइनों के अंदर क्या बताना चाहेंगे कि अर्नर कम्युनिटी में आके आपको कैसा फील हो रहा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और इतना पैसा मैंने कभी किसी में नहीं कमाया था, और ये चीज ये भी अगर जो स्टडी वाला है तो फिर मैंने क्या किया, अभी पैसे हो गए तो मैं अभी स्टडी में एडमिशन करवा दी, लेकिन गाइस पढ़ाई पार्ट टाइम और काम फुल टाइम अभी भी है। मतलब ये होना नहीं चाहिए कि बंदा, मतलब एक होता ना लोगों का माइंडसेट गाँव में कि पढ़ लिख नहीं पाया तो यही कर लिया, तो उसके लिए उनपे भी मैं पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हैं। और एक चीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी आ रहे थे चैट बॉक्स में मेरे पास, तो सर इतने कम टाइम में इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे किया? गाइस उसको सिर्फ एक लाइन में मैं बोलूंगा, देखो सबकी लाइफ में कभी खुशी कभी गम, वो तो लाइफ का रूल है, वो चलता रहेगा, कभी खुशी कभी गम, हमेशा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। देखो आप लोग क्या चाहते हो ना, हम लोग क्या सोचते हैं अपने आप को कि हम प्रॉब्लम को खत्म करके फिर काम को स्टार्ट करें, लेकिन गाइस ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, हमें प्रॉब्लम को लेकर के काम को करना है। हमारा सबसे बड़ा माइंडसेट ये होता है कि आप लोग यही सोच लेते हो ना कि मेरी लाइफ में तो अभी फोन खराब हो गया, व्हाट्सएप बैन हो गया, लीड्स नहीं आ रही, बहुत सारे एक्सक्यूजेस आप लोग देते हो, तो आपको प्रॉब्लम के साथ साथ आपको काम करना है। ये सोचो कि मेरा प्रॉब्लम लीड्स की बारिश हो जाए फिर मैं काम करूँ, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आपको प्रॉब्लम को लेकर के अपने काम को करना पड़ेगा, तब जाके आप कम टाइम में ज्यादा अचीवमेंट कर पाओगे, और पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट होकर के और पूरा प्लानिंग कर करके और टारगेट बना करके काम करो, डेफिनेटली आपको हो जाएगा। आपको जितने पॉइंट चाहिए उसका नोट करो कि टीम से कितने पॉइंट करने हैं, डायरेक्ट से कितने कर रहे हैं, कौन सी टीम आपकी कैसे काम कर रहे हैं, सारी चीजें प्लानिंग करो, रोड मैप करो, और उसको डे बाई डे में डिवाइड करो। अब ये सोचो कि अब जैसे मेरा डायमंड में है, डायमंड में गाइस 180 पॉइंट, 20 पॉइंट माइनस हो गया होगा, आप आईडी खोल के देख लो, 1.5 महीने मेरा डायमंड भी हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए पैसे भी इनकम, उसके बाद मैं कुछ सोचो गाइस अभी ऑलरेडी है क्या एक्सेस का लैपटॉप, ठीक है। तो ये चीज होता है 1.5-2 महीने के अंदर, बताओ अभी तो बिना फोन डाले इतना हो गया 1 महीने में, अगर मैं डालूंगा तो कितना हो जाएगा सोचो। तो गाइस कुछ होता है प्रॉब्लम तो उसको हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, जो कि हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर मोहित सर हमें गाइड करते हैं ऑलरेडी, सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो उस पे हम इम्प्लीमेंट करके आज सारी चीजें पॉसिबल हो पा रहा है। तो गाइस आप लोग भी लग के काम करोगे और प्रॉब्लम को लेकर के काम को करो, ये सोचो प्रॉब्लम आ गई काम मत छोड़ दो, तो काम अगर काम करोगे पैसा रहेगा तभी प्रॉब्लम जाने वाली है, अगर मतलब प्रॉब्लम की वजह से काम को छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम कभी नहीं जाने वाली है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है गाइस। और कम टाइम में सबसे ज्यादा सक्सेस होने का मंत्र भी यही है,
कि प्रॉब्लम को साथ में लेकर के काम को करो, काम को ब्रेक मत दो। बिल्कुल सही बाकी बहुत बताया अच्छा इन्होंने लगा। कि एग्जैक्टली बोला कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम, ये दोनों चीज चलती रहेंगी हमारी जिंदगी के अंदर। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बस ये प्रॉब्लम दूर हो जाए उसके बाद मैं चीजें कर लूंगा, बस मैं ऐसा करूं। वो टालने वाली जो चीज है ना, कभी कुछ नहीं होता भाई। प्रॉब्लम भी आएंगी और खुशी भी आएंगी, ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी का पार्ट है, मरते दम तक रहेंगी, ठीक है। लेकिन हमें प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमेशा चलते रहना है। प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड हमें उनका सोल्यूशन करना है, ये हमारा आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सोल्यूशन इज एन आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। हमेशा सोल्यूशन करते जाना है, प्रॉब्लम आती रहेंगी, हर समय आती रहेंगी। अभी जस्ट बताऊं मैं जो ये आईफोन की थोड़ी सी आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अंकित जी जो ने आईफोन लिया है, इनका जो सैमसंग अभी S23 Ultra है, इनका खराब हो गया था, ठीक है। खराब होते इनका तुरंत फोन आया कि सर खराब हो गया फोन, एक नया फोन लेना है। अब फोन का शौक है, ठीक है। तो इन्होंने जो मैं कौन सा फोन लेना, बोला iPhone 15 Pro Max 1 TB, जो मेरे पास है सेम सीधा। बोला कि ठीक है ठीक है। मैं कह सर और कोई देख लो अभी स्टार्टिंग में काम करने के लिए। बोला नहीं सर, दोबारा से डायमंड का तो आने वाला है उस टाइम मैं सोचूंगा, और iPhone 16 Pro Max भी आ रहा तो वो भी मैं सोचूंगा। मैं कहा चलो ठीक है आप सोच लो। तो बोला कि आप ये ऑर्डर कर दो iPhone 15 Pro Max, बस 2 दिन हुए थे मतलब खराब हुए, इंस्टेंट ऑर्डर कर दिया, ठीक है। ये क्यों हो पाया, क्योंकि पता था इनको सफायर का $1,250 आने वाला है, उसी दिन आया, उसी दिन ऑर्डर हो गया और आज आपके सामने है गई चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट अनाउंसमेंट कर ही दिया कि अभी मैकबुक भी आने वाला है, ठीक है। मैकबुक भी तो ना, अचीवमेंट पे अचीवमेंट बढ़ती जा रही है गाइस, ठीक है। 16 आ रहा है अभी नया फोन, iPhone 16 आ रहा है, ठीक है। तो iPhone 16 भी अभी लेने की तैयारी चल रही है। तो अब जिसको शौकीन होता है वो लगा लो कि अपन शौकीन शौक भी कब पूरे कर पाते हैं, ठीक है। बताओ, शौक हमारे जब पॉकेट में जब पैसा होता है तब कर पाते हैं, पॉकेट में पैसा होता है तब चीज़ें कर पाते हैं। जब जेब भरी हो ना तभी हमें अच्छा, हम तभी हमारे सपने भी पूरे होने लगते हैं, ठीक है। जेब खाली हो तो कुछ नहीं नजर आता, फिर तो पेट पेट ही नजर आता कि पेट ही कैसे भर जाए, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट मेरा अंकित जी आपसे ये क्वेश्चन रहेगा। तो अभी इन्हीं इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे लोग हम अपने साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो आपने भी बहुत सारी सेल्स निकाली होंगी स्टार्टिंग में। जब हम बिजनेस के अंदर आते हैं तो जो नया पर्सन होता है उसको पहली सेल निकालने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए स्टार्टिंग में, बिल्कुल जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं अपनी टीम में भी पर्सनली गाइड करता हूँ, और अगर आपको ऑनलाइन फील्ड में सक्सेस होना है, किसी भी फील्ड में जाओगे या फिर चाहे वो न्यू हो चाहे कोई भी लीडर हो, अगर गाइस आप 5 स्टेप पे काम करते हो ना, मैं 5 स्टेप अपनी टीम को भी फॉलो करवाता हूँ, पर्सनली मैं भी फॉलो करता हूँ। 5 स्टेप अगर फॉलो कर लिए तो मैं खुद का कमिटमेंट करता हूँ कि 50,000 1 लाख रुपए से कम किसी की अर्निंग नहीं होने वाली। पहली होती है गाइस लर्निंग। हम लोग क्या करते हैं, आज स्टार्ट किए कल से हमें पैसा चाहिए। सर क्या बता रहे हैं, मीटिंग कितनी हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको आज स्टार्ट किया कल पैसा चाहिए। तो गाइस ऐसा कोई भी नहीं, हमारे पास जादू की छड़ी है कि 9,300 3,700 लगा दिया, जादू की छड़ी घुमाए उसके बाद 10,000 आपके अकाउंट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो गाइस पहला स्टेप आपको लर्निंग करना है, जैसे मैंने आपको बताया बिना सीखे कुछ भी नहीं होने वाला, सीख करके हर एक चीज पॉसिबल कर सकते हो। दूसरी चीज आपको प्रमोशन, प्रमोशन खतरनाक वाला करो, जहाँ पे आपके पास भर भर के लीड आए, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप बहुत सारे तमाम सोशल मीडिया पर। तो गाइस पहला होता है लर्निंग पे ध्यान दो, प्रमोशन को ध्यान दो, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, अच्छे से प्रमोशन करो, कंटेंट खुद का बनाओ। तीसरा होता है लोगों से बात करने में मास्टर बन जाओ, लोगों से बातें करने में, स्टूडेंट से कैसे बात करने, हाउस वाइफ से कैसे करना है, नेटवर्कर से कैसे करना है, कंपनी वालों से कैसे करना है, हर एक लोगों से मतलब मास्टर हो जाओ, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे आपको उनको बात करना, सारी चीजें। उसके बाद चौथा होता है गाइस टीम बनाना। अगर ये 3 चीज आप फॉलो करोगे ना, आपकी लर्निंग, प्रमोशन, लोगों से बातें करना, तो टीम आपकी ऑटोमेटिक बनेगी। आप लोगों के क्वेश्चन आप, टीम नहीं बनती है तो टीम बनाने पे ध्यान दोगे कभी भी नहीं बनेगी। अगर इन 3 स्टेप पे फॉलो करोगे, लर्निंग, प्रमोशन, लोगों से बातें करना, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, तो आपकी टीम ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट करेगी और ग्रो भी ऑटोमेटिक करेगी, ठीक है, तब जाके आप पैसा कमाओगे। और पांचवा सबसे खतरनाक, मीटिंग लेना और मीटिंग देना। अगर आप 1 महीना जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं ना, अगर 1 महीना प्लस हो गई है आपकी, तो गाइज आप मीटिंग देना स्टार्ट करो। कितने दिन तक आप मीटिंग लोगे बताओ। तो गाइज मीटिंग लेना भी इम्पोर्टेंट है, देना भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइज मैं पर्सनली 5 स्टेप पर फॉलो करता हूँ। और देखो किसी का भी 100% सही नहीं होता है, उसके कुछ परसेंटेज होते हैं, तो गाइज अपने परसेंटेज को बढ़ा के रखना है। अब जैसे मुझे बात करने का सबको पता है मैं कैसे लोगों से बात करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं 100% मास्टर हो गया बात करने में, उसके परसेंटेज है 70%, 80%। अब कुछ लोग आप लोग 0 पे रहोगे, तो परसेंटेज को धीरे धीरे बढ़ाओ और अपने अंदर एक्सपीरियंस लाओ। तो ये 5 स्टेप पे पर्सनली फॉलो करोगे ना,
आपके साथ ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक निकले, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज गाइस मेरे साथ ऐसे भी होता है, ऑन कॉल को लॉजिक सारी आईडी लगती है, कॉल पे सिर्फ बात करो पेमेंट डन, कॉल पे पेमेंट डन। टीम पे भी सेम यही इम्प्लीमेंट करवाता हूँ पांचों चीजों पे, इसलिए इतने कम टाइम में मेरी टीम इतना ज्यादा ग्रो कर रही है। और गाइस मेरी टीम में सोचो रूबी वाले प्लस अमीशा मैम है, रूबी हिट करके बैठी है 2.5 लाख, अनुप सर है प्लैटिनम, मनीषा दी है प्लैटिनम, हजार हजार डॉलर प्लस प्लस दो दो लाख रुपए। तो गाइस ये चीज होता है, अगर डाउनलाइन को ना आप तीन डाउनलाइन पकड़ लो, तीन डाउनलाइन को अगर 2 लाख 1.5 लाख रुपए कमा लो ना, तो 3-4 लाख रुपए आप ऑटोमेटिक कमा लोगे। टीम वर्क सबसे बड़ा वर्क है। अकेले सोचो, अकेले 30 मार का बन जाओ, अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे गाइस, कप्तान जिंदगी भर डायरेक्ट लगाते रहोगे, कभी भी नहीं हो पाएगा। आज गाइस मुझे पता है आईडी खोल के देखोगे डेली $5, $20, $30, $2-3 हजार पर डे का बनते रहते हैं। तो गाइस वो पावर है टीम वर्क, चाहे मैं घूमता रहूँ सोता रहूँ कुछ भी करता रहूँ, लेकिन गाइस अभी मेरा खुद का टारगेट है कि मुझे अपनी टीम में अपने फ्रेंड में कम से कम 100 पार्टिसिपेट चाहिए, जो जहाँ पे मुझे पर डे का 10-20 हजार 30 हजार कम से कम इनकम आए पर डे का। गाइस कार ऐसे नहीं आ जाएंगे, कार बहुत उसके लिए बड़ी प्लानिंग चाहिए। तो प्लानिंग करके टारगेट पे डे बाई डे मैं उसको डिटरमाइन करूँ। ये नहीं एक होता ना कबीर सिंह वाला दोहा, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, उस पे इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि हमारे पास अब मैं सोचू डायमंड मेरा 180 पॉइंट है, अरे अभी तो 5 महीना ट्रिप अभी 1 महीना है। तो गाइस ऐसा सोचते रहूंगा तो टाइम बीतता रहेगा, टाइम हमारा वेट नहीं करता है। उसको प्लानिंग करो, डे बाई डे में कन्वर्ट करो, उस पर इम्प्लीमेंट करके काम करो। सेम काम टीम को भी करवाओ, आप लोग की भी लेवल देखो ऐसे छुट्टियों में हिट होता चले जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बोला, पूरा हौसले के साथ चीज़ें करते हैं। मेरे को एक शायरी, छोटी सी शायरी याद आ गई, मंजिल क्या है रास्ता क्या है, मंजिल क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है ना। अगर इसी तरीके से हौसला हो ना, इसी तरीके से हमारी चीज़ें होती चली जाएंगी। तो गाइस उन्होंने कुछ पॉइंट्स अभी बताए, ध्यान से सुने आपने, कि कभी भी सेल्स पे ध्यान नहीं देना, बहुत इस मैं मीटिंग की बोल सकता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग फ्रेशर है ना, जो लोग चीजें करना चाहते हैं ना, जो लोग फ्रेशर ब्रॉन्ज सिल्वर प्लेटिनम है ना, जिनका काम अटक जाता है कि सेल्स नहीं आ रही, तो उन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट प्रमोशन के ऊपर फोकस करना है, जितना हो सके प्रमोशन करना है। तीसरा पॉइंट कॉन्टेंट क्रिएशन, लीड्स लेके आनी है। अगर इन चीज पे तीन चीजों पर फोकस कर लिया ना, तो आपकी सेल्स ना ऑटोमेटिक, टीम बनाना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी बोला है कि मैक्सिमम लोगों को क्या करना है, कॉलिंग करना है, कॉलिंग करना है। जितने ज़्यादा कॉलिंग करोगे, कॉलिंग मतलब बोलने में, मतलब हाउसवाइफ से कैसे बातचीत करनी है, कोई जॉब पे उससे कैसे बातचीत करना है, शोदा प्लान एंड फॉलोअप। एंड लास्ट पॉइंट मीटिंग लेना एंड मीटिंग देना, ठीक है। पाँचों पॉइंट मेरे को याद हो गए हैं। अगर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने चीजें बोली, पहले तीन चीजों पे ध्यान दो, ऑटोमेटिक टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। हम बस सोचते हैं कि बंदा कैसे ना कैसे पैसा निकाल दे, पैसा नहीं देना, पैसा लेना नहीं, उससे वैल्यू दोगे तो पैसा देगा, ऑटोमेटिकली आपको चीजें देगा। इन्होंने बताया मेरा बातचीत करने का तरीका अच्छा, जब भी तो इस तरीके से चीजें हो पा रही है, ठीक है। तो अंकित जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक चीज है ना, जो न्यू पर्सन होते हैं उनके लिए, देखो जो लोग बोलते हैं सेल्स नहीं कर रहे, डीमोटिवेट होते हैं, देखो अपने अंदर परमानेंट मोटिवेशन लाओ, और परमानेंट आपके ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स बनाओ, वो ड्रीम्स आपका परमानेंट मोटिवेशन होगा। और अपने फैमिली कंडीशंस को देखो, वो आपका परमानेंट मोटिवेशन रहेगा। ये नहीं कि 30 मिनट अंकित सर ने बोल दिया तो सार सर ने बोल दिया मोटिवेशन, आ जाओ आज काम करो कल से फिक्स हो जाओ। गाइज आपका ड्रीम, आपकी फैमिली कंडीशन आपका परमानेंट मोटिवेशन बनेगा, और उसी मोटिवेशन को लेकर के आप सक्सेस हो पाओगे। एक होता ना जैसे आप लोग डीमोटिवेट, एक होता ना गाइस एरोप्लेन, जानते होंगे एरोप्लेन जब उड़ता है ना तो बहुत मुसीबत होता है, घूमता टहलता कितना सारा होता है, लेकिन गाइस जब उड़ने के बाद ना वो ऑटोमेशन मोड होता है। सेम उसी तरीके से अगर आप जर्नी को स्टार्ट किया हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको फेस करना पड़ेगा। आपके फैमिली आपके अगेंस्ट होंगे, आपके दोस्त आपके बहुत सारे लोग आपके पड़ोसी जो भी होंगे, आपके बहुत सारे लोग निगेटिव करने के लिए आपको आएंगे, लेकिन गाइस उसको अगर आप फेस कर लोगे ना, तो आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड रहेगा। जैसे आज हम लोग का है कि अगर ना करें तो अभी लाख रुपए आ जाएंगे, अब कर देंगे तो 5-10 लाख, ठीक है गाइस। तो सेम उसी तरीके से स्टार्टिंग पे लग के काम करो। और गाइस अब देख लेना, आप लोग खुद देखना, डायमंड मेरा भी होने वाला है 1-1.5 महीने में, वो भी हिट हो जाएगा, कोशिश है कि नेपाल ट्रिप से पहले हो जाए। और गाइस आप लोग देखना, ये मैं करके दिखाऊंगा। और गाइस मेरा पर्सनल टारगेट है कि जो मैंने आईफोन लिया ना 2 लाख, तो इसको मुझे अपने फ्रंट लगा करके कवर करना है, मतलब $2000 मुझे फ्रंट लगा के करना है, कैसे भी करके, एनी हाउ ग्रेट, कैसे भी करना है, मेरा खुद का पर्सनल टारगेट है। आईफोन अगर मैंने 15 प्रो 2 लाख लिए ना, तो $2000 मुझे हिट करने हैं सिर्फ डायरेक्ट लगा करके, टीम रैंक वीकली ये सब अलग इनकम, सिर्फ डायरेक्ट स्पॉन्सर। ग्रेट,
बहुत ये मेरा बढ़िया, खुद का टारगेट है भाई। टारगेट रहेगी, प्लानिंग रहेगी, उस पे काम करो, ऑटोमेटिक चीजें हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही चीज़ें बताई कि अगर हमारी प्लानिंग रहेगी तो हमारी ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी। टारगेट खुद से लेना है कि मैंने ये चीज़ लिया ना, अभी अभी देखो इन्होंने तो चीज़ ले ली, चीज़ लेने के बाद भी इन्होंने टारगेट बनाया कि मेरे को इसको पैसे दोबारा निकालने हैं डायरेक्ट करके, पैसिव इनकम, वीकली बोनस, वो सारी चीज़ एक्स्ट्रा, लेकिन डायरेक्ट करके मेरे को इसका अलग से पैसा चाहिए। अच्छा अंकित, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर प्लानिंग कैसे करें, पूरा जो दिन है हमारा शेड्यूल कैसे करें। बहुत सारे लोग कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो हम अपने डे को प्लान कैसे करें, शेड्यूल कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उनके लिए सबसे पहले शेड्यूल है कि मतलब कि देखो एक चीज है, जो मैंने 5 स्टेप बताया ना, तो उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है कि एक हफ्ते आप सीखने में लगा दो, फिर एक हफ्ते आप प्रमोशन, ऐसा नहीं करना है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। जैसे कि स्टूडेंट होता है ना, हम साइंस स्टूडेंट, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स हिंदी इंग्लिश 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि 1 महीने हिंदी पढ़ेंगे 1 महीने, हमें 5ों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना होता है, राइट ठीक है। तो गाइस उसी तरीके से ये 5ों चीजें आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप अपना रूटीन बनाओ। मॉर्निंग में आप कब फ्री होते हो, शाम को कब फ्री होते हो, उसमें आप टाइमिंग बनाओ कि आधा घंटा आपको प्रमोशन करना है, आधा घंटा आपको सेशन लेना है। अगर आप बिजी पर्सन होते हो, जॉब या फिर कहीं स्टूडेंट हो, तो आपको हमारे लर्नर्स कम्युनिटी वेबसाइट पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब की सारी लाइव वीडियोज मिल जाएगी, मेरी इवन मेरी चैनल पे खुद की सारी लाइव वीडियोज मिल जाएगी। लोगों से बात करना, लीड जनरेट करना, कन्वर्ट करना, प्लानिंग, महीने का लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 15 लाख रुपए महीने की प्लानिंग करना। तो गाइस अब उसमें कितने कितने परसेंट आज इंप्लीमेंट करते हो ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल सा वो आपके अकॉर्डिंग होगा, आपका जो टाइमिंग होगा आपको पता होगा। देखो एक चीज था कि जब मैंने पढ़ाई ड्रॉप आउट किया था ना गाइस, तो मुझे पता था कभी भी अपलाइन से झूठ बोल लो, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल लो, मम्मी पापा सबसे झूठ बोल लो गाइस, कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आपको पता है कि आप कितने बेहतर हो। सेम क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, अपने अर्नर्स कम्युनिटी में ऐसा क्या किया कि आपको सफायर रैंक हो जाए, ऐसा कौन सा काम कर दिया अपने आप से। कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए गाइज। मुझे पता था 12th के बाद अगर मैं घर वालों का पैसा लोन भी करवाता हूँ ना, तो मैं पढ़ाई में उतना ठीक भी नहीं हूँ, अगर ठीक भी नहीं हूँ तो बेकार भी नहीं हूँ, ठीक है। फर्स्ट डिविजन पास हुआ था गाइज, ठीक है, मतलब अगर ठीक नहीं हूँ तो बेकार भी नहीं हूँ। तो गाइज मुझे नहीं पता था कि मैं निकाल पाऊंगा, तो गाइज घर वालों का पैसा क्यों लगवाना। लेकिन आज ऑनलाइन बिजनेस में लाखों रुपए आ रहे हैं गाइज, एडमिशन करवा लिए, पार्ट टाइम कर रहे हैं, कम से कम डिग्री हो जाएगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वो भी हो जाएगा। तो गाइज आज पैसे हैं, 1 साल दो ड्रॉप आउट करने के बाद फिर मैंने एडमिशन करवाया, अभी 5 दिन हुए हैं, आज सर का कॉल भी आ गया, अंकित डॉक्यूमेंट शेयर कर दो, ठीक है गाइस। तो ये चीज होता है, अगर चलो मैं अगर कल को वो भी नहीं भी होता है तो भी पैसे तो खुद लगाए ना, फैमिली को कोई लोड नहीं है, फैमिली को तो पता है बच्चा पढ़ रहा है, कमा भी रहा है, घर पे भी हेल्प कर रहा है। और गाइस सबसे मजे की बात आपको बता दूं ना, सबसे गाइस मुझे प्राउड इस बात का कि आज तक मतलब अभी करंटली की बात करूंगा तो मेरे खानदान में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला बंदा मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो मेरे खानदान का पूरा, क्या मतलब बात है, इवन मेरे चाचा पापा कोई भी हो, पूरे उप्पा बुआ, मतलब कोई भी पूरे खानदान को बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला का बंदा करंटली में मैं हूँ। ग्रेट ग्रेट जो ग्रेट साल ग्रेट, लाखों रुपए बंदा कमा रहा है या दिन का कमा रहा है, जो भी बोल बिग दो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सुनो, अंकित। और इस पर मुझे इम्प्रूव करना है और बहुत कुछ करना है अभी। बिल्कुल। अच्छा अंकित, आपका क्या प्लान रहता है वर्किंग डे में, आप पूरा दिन में कैसे क्या करते हो, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सिंपल सा प्लान रहता है, मॉर्निंग में मैं थोड़ा बहुत शाम और मॉर्निंग में मैं लीड जनरेट करता हूँ, क्योंकि गाइस देखो सबसे पहले सुबह और शाम की जो टाइमिंग होती है ना, वो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। जैसे स्टूडेंट है, 9 बजे के बाद स्कूल मिल जाएगा, जॉब वाले भी 9 बजे के बाद स्कूल मिल जाएंगे, तो उनके पास मोबाइल चलाने का फ्री टाइम नहीं होता है गाइस। प्रमोशन हमेशा सुबह और शाम में किया करो। कोई भी बंदा अगर पर्सनली मैं बोलूँ, आप अपने आप से पूछो, सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या चाहिए, फोन, फोन चाहिए ना सबसे पहले भाई। बिल्कुल पहले बिस्तर पे लोग चला लेते हैं, स्टेटस वेटर लगा लेते हैं या देख लेते हैं, तब उठते हैं बिस्तर पे। बिल्कुल और गाइस डिनर के बाद कोई भी बंदा डायरेक्ट सोता नहीं है, उसको पहले फोन चाहिए, उसको रील स्क्रॉलिंग करनी है, स्टेटस लोगों का देखना है, खुद का भी डालना है। तो गाइस सुबह और शाम में अगर प्रमोशन करते हो ना, तो आपके पास मल्टीपल लीड्स आएंगे, बहुत ज्यादा लीड्स आएंगे। सुबह शाम में मैं लीड जनरेट करता हूँ, उसके बाद दिन भर में टीम वालों को प्लानिंग देता हूँ, टीम से भी डिस्कस करता हूँ थोड़ी बहुत, जो मेरी टीम में एक्टिव मेंबर है उनसे मैं डेली प्लानिंग करता हूँ, और पर डे में 2 मीटिंग करता हूँ, एक प्लान प्रेजेंटेशन था। और गाइज ये लोग बोलते ना नहीं होगा, गाइज मैं अपना कमिटी में 2 दिन मुझे हुआ था, तीसरे दिन मैंने खुद से प्लान प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया था, सोचो गाइज। और मेरी खुद की पर्सनल टीम के लिए ऑलरेडी ऑलमोस्ट उसमें 60 70 80 लोग आते हैं, क्या सोचो बात है, गाइज। ये मतलब बहाने नहीं कि सर कर रहे हैं 7 बजे, गाइज मैंने खुद से स्टार्ट कर दिया तीसरे दिन पे, बस 2 दिन मैंने देखा सेशन कैसे कैसे दिया जाता है, सेम इम्प्लीमेंट कर दिया, और आज एक्सपीरियंस भी हो गया, अच्छे से कर सकता हूँ प्लान पर।
तो गाइस ये चीजें होता है। उसके बाद आप अपने शेड्यूल बनाओ। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो लोग आते हैं उनको पहले मैं वीडियोस प्रोवाइड कर देता हूँ। वीडियो के बाद गाइस मैं जो होता है ना 5 बजे मैं मीटिंग करता हूँ, 7 और 8 बजे के बीच में जो टाइमिंग होता है उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि लोगों को कॉल करता हूँ। कॉल करके बोलता हूँ, हाँ जी कैसे हो भाई, क्या कर रहे हो, आपने वीडियो देखा या नहीं देखा। बोलेंगे नहीं देखा। फिर उनसे पूछता हूँ क्या करते हो, कैसे करते हो। फिर उनके फ्यूचर उनके मतलब उनसे बताता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। अब बताओ अगर आप जॉब कर रहे हैं 15,000, कब तक आप जॉब करोगे? 30,000 कमा लोगे भाई, पूरी करते रहोगे, सपने कब पूरी करोगे? तो वो बंदा ऑटोमेटिक हमारा सुन भी लेता है और ऑटोमेटिक फिर बोलेगा सर पक्का मैं वीडियो देख के बता दूंगा। 15 मिनट की वीडियो देख के बंदा कॉल करेगा, वहीं पे क्लोज। और जो नेटवर्कर होता है उसको ऑन कॉल करो। और गाइस 80 में से मेरे फ्रेंड के एक भी मेंबर जूम में नहीं इनवाइट करता, ऑन कॉल क्लोजिंग चलती है। तो गाइस इसलिए लोगों से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करो, लोगों से बात करने में मास्टर बन जाओ। इतना बेहतर बात करो कॉन्फिडेंस है, मतलब एक होता ना मतलब कि झूठ भी इतना प्यार से बोल दो तुमको सच लगे, एक बार सोचने पर मजबूर हो जाए, मतलब इतना हार्ड कॉन्फिडेंस और इतनी अच्छी आपकी स्किल्स होनी चाहिए। जैसे उसको पता ना एप्पल की मेरी AWP, लेकिन उसको AWPLA बोल दो, वो भी कंफ्यूज हो जाए बंदा। इतने कॉन्फिडेंस से आपको बोलना है, मतलब झूठ बोलना नहीं है फिलहाल, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जैसे कोई भी दुकानदार होता है ना, कपड़े खरीदने जाओगे भाई कलर नहीं उतरेगी इसकी गारंटी है, बोलेगा भी लेटेस्ट मॉडल है। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी बिजनेस माइंड लगाना है। आज फ्लिपकार्ट अमेज़न खोलोगे सेल्स पे दिखेगा 18 आवर लेफ्ट, ओनली वन लेफ्ट, मतलब ऐसे दिखाएंगे कि मतलब हमारे लिए ही बना है और सिर्फ हमारे लिए ऑफर मिल रहा है। सही बात। तो सेम बिजनेस माइंड अपने अंदर भी लाना पड़ेगा गाइस, तब जाके चीज सही चीज बोली कि अगर किसी पर्सन से बातचीत करो तो उसको लगना चाहिए उसी के लिए ही अर्नर कम्युनिटी है और उसी के लिए ही बनी है। ठीक है, जैसे हमें और भी ऑफर्स हम देखते हैं, और भी चीज़ें हम देखते हैं, इस तरीके से हमें चीज़ें करनी है, इस तरीके से हमारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है अंकित, नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि अर्नर कम्युनिटी में आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है? सबसे बेस्ट चीज सर यहाँ पे ट्रिक मिलती है सबसे अच्छी। okay. और यहाँ पे सर एक्टिव से ज्यादा इनकम पैसिव है। अगर गाइस हम थोड़ा ना कॉन्सेंट्रेट होते, सर ने जैसे सही बोला, मैंने स्टार्टिंग में 15-20 दिन ही मेहनत की, 15-20 दिन में मैंने 3.5 लाख रुपए कमा लिए। सोचो 15 मेरे इस महीने में देखोगे एक भी फ्रेंड नहीं होंगे। Okay. मतलब अभी एडमिशन वगैरह फोन्स वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैंने थोड़ा एक्टिव हो नहीं पाया, बस टीम पे फोकस किया, डायरेक्ट पे फोकस नहीं किया। तो गाइस पैसिव इनकम सोचो 15-20 दिन की 3.5 लाख रुपए, ग्रेट कंटिन्यू इनकम ये। तो गाइस सबसे चीज यहाँ पे एक्टिव, थोड़ा भी एक्टिव रहते हो तो पैसिव इनकम आपको बोरा भर के मिलेगा। और दूसरी ट्रिप आपको यहाँ पे ट्रिप की कोई कमी होने वाली नहीं, 2-3 दिन में हमेशा आपको ट्रिप मिलेगी। अपने टीम के साथ फुल मजे करो, तुषार सर के साथ डांस करो, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक्टिव काम करो, बोरा भर के पैसा, एक्टिव पैसिव इनकम बोरा भर के आने लग जाएगी। ठीक है, और फिर डांस करते हैं फिर हम LDP में। और इनकम में सबसे अच्छी इनकम कौन सी लगती है आपको? सर अभी करंटली में गाइस सबसे ज्यादा अच्छी इनकम होती है जो हमारा रैंक इनकम होता है। हाँ, अभी करंट में बहुत अच्छा जो लग रहा है इनको रैंक इनकम, क्योंकि एकदम से आता है ना, झट से एक साथ एकदम से पैसा आता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस दिसंबर से 2024 खत्म होने से पहले क्या टारगेट है अंकित, कौन सा लेवल? वही सर अभी बताया धीरेंद्र सर का डबल डायमंड और एक कार। ओके, 31 दिसंबर 2024 से पहले डबल डायमंड और एक कार। ठीक है, अभी डायमंड 1-2 महीने में हो जाएगा, 1-2 महीने में प्लानिंग है, एग्जीक्यूटिव तो हो जाना चाहिए, कोशिश तो पूरी रहेगी। बिल्कुल, फ्यूचर तो कोई बता नहीं सकता, प्लानिंग है, टारगेट ही बस टारगेट लेके रखना है। बिल्कुल, और उसके ऊपर बस मेहनत करनी है, 100% आपकी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, आपको अर्नर कम्युनिटी में इतनी आसान कैसे चीजें लग रही हैं? सर पता नहीं, मतलब स्टार्टिंग में मेरी भी टीम बोलते थे, अभी मेरा भाई है ना जो सर आपने बताया कि 1.5 लाख से ऊपर कमा लिया, उसने भी बोला कि भैया, वो उससे पहले कोई प्लान नहीं किया, उसने बोला भैया मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और गाइस आज उसका डेली सेल्स निकल रहे, डेली गाइस डेली 45-46 डायरेक्ट, मेरे से भी ज्यादा डायरेक्ट लगा दिया। सोचो गाइस अपलाइन से भी ज्यादा डायरेक्ट, क्या बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो गाइस ये चीज होता है कि मतलब कि अगर हमें लगता है ना, देखो कोई भी चीज, हर एक चीज सीख करके, मैंने बोला सीख करके हर एक पॉसिबल चीज पॉसिबल है। गाइस सीखने पे ध्यान दोगे तो हर एक चीज कर लोगे, और नहीं सीखने पे ध्यान दोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम पहले से सोच लेते हैं ना, अब जैसे कि डायमंड है, मैं सोचू यार 200 पॉइंट कैसे होगा, लेकिन गाइस वहीं पे आप पॉजिटिव थॉट रखो। देखो जहाँ पे निगेटिव है ना वहीं पे पॉजिटिव है, वहीं पे आप सोचो यार 200 पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे ही करना, तुषार सर आके नहीं करेंगे,
अगर मैं 50 पॉइंट डायरेक्ट कर देता हूँ, 100 पॉइंट अमीषा मैम की टीम से निकलवा देता हूँ, 50 अनुप की टीम से निकलवा देता हूँ, मेरा टोटल अटैम्प्टमेंट इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लानिंग करो, निगेटिव थॉट मत लाओ, पॉजिटिव हमेशा लाओ। और अगर निगेटिव आपके अंदर आती है तो अपलाइन जिंदाबाद, अपलाइन को कॉल करो, बोलो मुझे खुद प्लानिंग दो। बिल्कुल, बहुत सही चीज बोली। अगर कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है ना, अंदर नहीं रखना, अपलाइन से बातचीत अंदर रखेंगे तो उसका पेड़ बन जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा नेगेटिव चीज भी, छोटा सा बीज भी अगर अंदर आ गया तो उसका पेड़ बन जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। अगर उससे अपलाइन से कुछ भी नेगेटिव चीज आते हैं, तुरंत अपलाइन से डिस्कस करना है, कुछ भी मन के अंदर थॉट आ रहा है, ठीक है, और फिर अपने आप ही अपलाइन सोल्व कर देगा। अंकित जी को बहुत प्रॉब्लम आई है और सोल्व करे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित जी मेरा इसी चीज के ऊपर रहेगा, अर्नर कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद अपने आपको क्या बदलाव आया, मतलब अपने अंदर क्या चीजें, मतलब चेंज लगी मेरे को अर्नर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद, क्या क्या बदलाव आया है? मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम करते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करते हैं और सारी चीजें, और यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम सबसे हाई लेवल है गाइस। पर्सनली अगर अर्नर्स कम्युनिटी को मैं स्टार्ट किया तो गाइस सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम सबसे हाई है गाइस की। अगर आज तुषार सर ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहे हैं, अगर इनको भी कॉल करोगे तो सर के अंदर नॉर्मल कोई भी इशू नहीं है, कॉल बैक भी करेंगे, अगर बिजी रहेंगे तो कॉल बैक भी आपको करेंगे। तो ये चीज है गाइस, अपने अप्लाइंस है 5-10 अपलाइन तक नंबर ले सकते हो और पर्सनली उनसे भी डिस्कस कर सकते हो। तो ये सपोर्ट सिस्टम सबसे अच्छा लगा। और गाइस यहाँ पे आके थोड़ा मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी सही हो गई है, थोड़ी प्रोफाइल भी सही हो गई, पर्सनालिटी भी थोड़ा सही हो रहा है और ट्रिप भी यहाँ पे घूम एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ये सारी चीजें सही। बिल्कुल, तो मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पता यही था कि आपको ट्रेनिंग सिस्टम में क्या क्या रोल प्ले करा, लेकिन ऑलरेडी बता दिया कि ट्रेनिंग सिस्टम ने एक अच्छा रोल प्ले करा, क्योंकि यहाँ की जो ट्रेनिंग्स है आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। यहाँ पर जो सॉलिड सिस्टम है कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। हमें क्या चाहिए होता है, एक अच्छा सिस्टम चाहिए होता है, वो आपको मिल गया है। एक अच्छे लोग चाहिए होते हैं, वो आपको ऑलरेडी मिल गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छा प्लान चाहिए, वो आपके पास ऑलरेडी है। पैसा पैसा अच्छा कमाना है, वो भी यहाँ पर सिस्टम में मिल रहा है। और उसके बाद घूमने फिरने का, तो वो भी अर्नर कम्युनिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, साथ में लर्नर कम्युनिटी कर रहे हैं, ये चीज़ें हो पा रही हैं। तो देखो, हमारी जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो कहीं ना किसी न किसी के थ्रू होती है, तो ये सारी चीज़ें अमितेश सर के थ्रू से स्टार्ट हुई थी और सारी की सारी चीज़ें आज डुप्लीकेबल होती चली जा रही है, हर एक पर्सन यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। अच्छा, लास्ट में मेरा लास्ट क्वेश्चन अंकित जी, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अर्नर कम्युनिटी का पार्ट है और जो अर्नर कम्युनिटी का नहीं पार्ट है, जो बनने का सोच रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वंस अगेन, बिल्कुल। सो गाइस सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट कर लिया उनको एक ही मैसेज बोलना चाहूंगा कि 5 स्टेप पे फॉलो कर लो गाइस। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपको करना पड़ेगा, एक्शन टेकर इज मनी मेकर, ठीक है गाइस। तो आप लोग उस 5 स्टेप पे ध्यान दो, लर्निंग पे फोकस करो। अगर आपके पास नॉलेज है ना, एक एग्जाम्पल देता हूँ, आज मेरे पास भी माइंड है, मुकेश अंबानी रतन टाटा अडानी पास के भी माइंड है, लेकिन वो लोग आज ज्यादा पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनके पास हम लोगों से ज्यादा बेहतर प्लान्स हैं, बेहतर माइंड है, बेहतर उनके पास अच्छे लोग हैं, है ना। मतलब उनके पास हम लोगों से ज्यादा नॉलेज है, कहीं ना कहीं तभी वो ज्यादा हमसे बेहतर है। अगर आज किसी भी लीडर को देख लो, अगर आज जो लोग यहाँ पे बोले थे लेवल से नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंकित सर आपसे बेहतर है, तब जाके इनका सफायर हुआ है। तो गाइज अपने आप को इम्प्रूव करो और लर्निंग पे फोकस करो, लर्निंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिन्होंने स्टार्ट कर लिया गाइज, अपने अंदर परमानेंट मोटिवेशन लाओ, अपने ड्रीम्स बनाओ, अपने फैमिली कंडीशंस को देखो और उस पे लग के काम करो, चीजें हो जाएंगी, ठीक है। पहला है जो स्टार्ट कर लिया, लग के काम करो। अब दूसरा, जो लोग भी अर्नर्स कम्युनिटी स्टार्ट नहीं किए हैं गाइज, देखो स्टार्ट नहीं किए हो तो स्टार्ट ना करने का रीजन तो आपके सामने कुछ होना ही नहीं चाहिए। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसके बेनिफिट्स बता दिया। आज बंदा सोचो, जो ये बता ना इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे स्टेज पे कभी परफॉर्म नहीं करता था, 100 बच्चों के सामने आज यहाँ पे 400-500 के बीच बोल पा रहा हूँ, पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। तो गाइस आपको देखो, बंदा बैठा हुआ आपको दिख रहा है, क्या चीजें आपको मिलने वाली है अर्नर्स कम्युनिटी में। तो गाइस देखो, हमारी चीज में एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारी लाइफ में गाइस दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है पैसा और एक होता है टाइम। और पैसा और टाइम हमें सही जगह लगाने से हमें अच्छे रिजल्ट आते हैं, अन्यथा नहीं आता, समझ रहे हो। उसी फिर आज हम देख सकते हैं पढ़ाई के ऊपर लाखों रुपया लगा देते हैं, लाखों रुपया लगा देते हैं, फिर भी 10-10 साल बचपन से लेकर के नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन के बाद भी डिग्रियों के पीछे लोग लाखों रुपया बर्बाद करते हैं। अब वही जब नौकरी नहीं मिलती है तो लास्ट में एक ही ऑप्शन होता है, प्राइवेट जॉब। कुछ भी नहीं कर पाते बेचारे, ठीक है, कुछ नहीं कर पाते हैं। लाखों रुपया गया, 10-15-20 साल गया वो अलग से, कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, ठीक है। तो भाई वही चीज है कि आप लोग भी कुछ चीज को इम्प्लीमेंट करो। और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया ना गाइस, तो स्टार्ट ना करने का कोई रीजन नहीं है, आपको दिख रहा है सामने बंदा बैठा है गाइस, नेक्स्ट अर्निंग आपकी भी होने वाली है,
नेक्स्ट 15 प्रो मैक्स आपका आने वाला है, नेक्स्ट सफायर आपका होने वाला है। तो डिसीजन बनाओ, बिजनेस को स्टार्ट करो, और 3,700-9,300 कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है। जिन्होंने आपको लिंक दिया ना गाइस, उनसे आप क्लियर करो, आपको प्लान एक्सप्लेन करेंगे। गाइस 3,700 रुपये कौन सी बड़ी बात है, इतना पैसा हमने पढ़ाई के ऊपर, किताब के ऊपर, रजिस्ट्रेशन, कॉपी, पेन, ड्रेस, आने जाने का खर्चा, आइडेंटिटी कार्ड, पॉलिटिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, कितने सारे खर्चे होते हैं, कपड़े के ऊपर, टहलने में, घूमने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कितने सारे खर्चे किए होंगे गाइस। लेकिन ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इतने कम अमाउंट में गाइस इतना सब कुछ पाने का मौका मिलेगा। आप बताओ 9,300 रुपये लगा करके 2.5 महीने में 3.5 लाख रुपये कहाँ मिलेगा, आप मुझे बताओ। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान हो मैं आपके साथ श्योर आ जाऊंगा। आप बताओ इतना श्योर की इंस्टेंट आपका पैसा आपके अकाउंट में दे दे, इतना सेफ सिक्योर कहीं है, कहीं भी नहीं मिलने वाली गाइस। आप मार्केट में जाकर के थक जाओगे लेकिन इससे अच्छा प्लान नहीं मिलेगा गाइस। आप बोलोगे ना मैं ऐसे 50 कंपनी का नाम बोल सकता हूँ, 50 कंपनी का नाम, और 50 कंपनी का मुझे एग्जैक्ट प्लान भी पता है कि उसके प्लान में क्या होता है। हाई रिच मतलब ऐसे कंपनी का मैं नाम बताऊंगा जो कि बहुत कम ही लोग सुने होंगे, हाई रिच का नाम बहुत कम लोग सुने होंगे। वो भी हमारा बाइनरी प्लान है, वहां पे जब तक हम लेफ्ट राइट में नहीं करेंगे ना तब तक हमारे पास दूसरे वाले को पैसा, दूसरे वाले का हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अब मैं आपको मुश्किल प्लान बता रहा हूँ जिसको आपको पता नहीं होगा, ठीक है। अपलेट मार्केटिंग बहुत सारे मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन गाइस मैं बता सकता हूँ कि जो मतलब बताओ 50 प्लान का नॉलेज रख करके अगर अर्नर्स कम्युनिटी में काम कर रहा है तो गाइस सोचो बड़ी बात ही है ना। तो गाइस आप लोग भी डिसीजन बनाओ, अर्नर्स कम्युनिटी जैसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है, आप ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, आप लाइन बदलते रह जाओगे, लेकिन इसके जैसा सपोर्ट सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलने वाला है गाइस। पर्सनली ये चीजें मैंने भी फील किया है और इसलिए आज यहाँ पे लग के काम कर रहे हैं और अगले लेवल की प्लानिंग चल रही है गाइस। ये सफायर मोहित सर ने बोलता ना, ये सफायर तो मेरा कुछ नहीं है गाइस, मेरा स्टार्टिंग से प्लान था कि मैं डायमंड हिट कर रहा, बस एक महीना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी नहीं तो वो डायमंड हो गया था, अब तक मैं डायमंड की सिटी जैसा आपको मिलता। लेकिन गाइस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान होता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एग्जैक्टली, लाइफ में कुछ बुरी चीजें आनी भी चाहिए ताकि लोगों की असलियत सामने आते हैं। राइट 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 बिल्कुल जरूरी है, बुरी चीजें जरूरी है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल, बाकी सही बोला एकदम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गाइज इन्होंने बहुत सही चीज़ें बोली कि भाई टाइम और पैसा ये सही समय पर अगर मिल जाए ना, सही समय पर चीज़ें हो जाएं। अभी आपको टाइम है, मैं पता कभी कभार यही चीज़ सोचता हूँ कि काश मेरे पास ये 19-20 साल की उम्र के अंदर इतना जो अभी में चीज़ें हो रही हैं होती तो मैं बहुत लाइफ को एक अलग लेवल का एंजॉय कर रहा होता है ना। हम भी सोचते हैं कि स्कूल और कॉलेज के अंदर होता, तो अभी आपको ना सही टाइम मिला है और सही प्लेटफॉर्म मिल गया है, बस लगकर करनी है चीज़ें। जिस तरीके की चीज़ें अभी अंकित जी ने बताई है ना आपको, बस उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन करेंगे दो चीज़ें। और गाइस मैंने स्टार्टिंग में बोला, शायद आप लोगों को याद हो, मैंने बोला था कि गाइस अगर 11-12 में मुझे अगर फीड मिला होगा तो कौन सी यार, मैंने बोला था ना, तो वो गलती आप लोग मत करना जो गलती करके आज मैं पछता रहा हूँ कि 2 साल पहले अगर मैंने, क्योंकि हॉस्टल में हम लोग को बहुत टाइम ही टाइम रहता था, उस टाइम में हमारा फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज्यादा था गाइस। बिल्कुल, अगर उस टाइम पे अगर मिला होता ना अर्नर्स कम्युनिटी गाइस, मतलब कोई भी ऑनलाइन फील्ड का मुझे नॉलेज कुछ भी नहीं था, अगर उस टाइम में सोचो मिला होता तो गाइस मैं प्राउडली बोलता हूँ 2 साल में अंदर मैं 1 CR हिट कर देता, ऑलमोस्ट 9 महीने लास्ट 13-14 लाख रुपए कमा के बैठा हूँ, लास्ट 9 महीने की 1.5-2 लाख रुपए एवरेज इनकम कमा रहा हूँ, मतलब ऑटोमेशन मोड चल रहा सिस्टम, मतलब स्टार्टिंग मेहनत किया था लेकिन अभी ऑटोमेशन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बस हमारे पास अभी, लेकिन बोलते हैं कि जंकित जी ने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, अभी जो मिल गए बेस्ट, बस इस इन हम दोनों ने बोला कि अगर ये थोड़ी सी पहले हो जाती तो, लेकिन आज आपके पास ना वो मौका है, इस मौके को मत गवाना। आपको पहला ही प्लेटफॉर्म, आपको जो अर्नर कम्युनिटी भी मिल गया ना, बेस्ट चीज़ें मिल गई। इन्होंने क्या बताया कि 50 प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मैंने ऐसे देख लिए, उसके बाद मैं अर्नर कम्युनिटी के अंदर चीज़ें स्टार्ट करी, टिप्स पे चीज़ें याद हैं, तो आपको बेस्ट चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे चीज़ें सुनते हुए, तो हमको सच में बेस्ट मिल गई हैं चीज़ें, अभी हमें बस उसके अंदर बेस्ट करना है, लगातार मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। अच्छा अंकित, बस लास्ट 2 लाइनों के अंदर, पर डे कितनी लीड जनरेट करते हो? सर वो मेरे अकॉर्डिंग है, अगर मैं पर डे चाहूँ तो 1,000 लीड जनरेट कर सकता हूँ। वैसे नॉर्मल एवरेजली पर डे कितनी लीड आप जनरेट करते हो? बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है। अगर मैं एवरेज इनकम की बात करूं तो एवरेज मेरे 50 से 80 लीड पर डे। सुन लो गाइस, जो लोग 5-5 लीड जनरेट करते हैं ना, 5 लीड से इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है। 50 से 80 लीड इन्होंने बोला, 50 × 30 करोगे 1,500 लीड मिनिमम एवरी मंथ इनके पास आ रही है। और इन्होंने बोला अगर मैं चाहूँ तो 1,000 लीड तक भी लेके गया हूँ, तो एवरेजली 2,500 से 3,000 महीने की लीड लेके आ रहे हैं।
ले आता हूँ, फिर उनको बाद उनको क्लोजिंग भी करनी होती है। तो मेरे पास ऐसे होता है ना, जब बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग में रहने रहते हैं, तो मैं लीड थोड़ा कम कर देता हूँ, मतलब 30-40 कम थोड़ा। और जब कम पड़ती है तो एक ही बार में मैंने जनरेट किया, गाइस मेरी हाईएस्ट इनकम 1400 लीड एक दिन था, उस दिन मेरा व्हाट्सएप बैन, सोचो तो 1400 लीड सिंगल डे का फ्री ऑफकोर्स कोई। और गाइस मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि आज तक मैंने इतना पैसा कमाया, जो भी चीजें किया, सिंगल एड रन नहीं चलाया। आप लोग बोलते हो ना कि सिर्फ एड रन से ही लोग, अब आप लोग में माइंड में आता, तुषार सर, वीरेंद्र सर, मोहित सर सिर्फ एड रन चलवाते हो तो पैसा 30,000-50,000 लगाते, तब वो कमाते हैं। लेकिन आज अंकित सर ने प्राउडली बोल सकते हैं, सिंगल 1 रुपया नहीं लगाया, तभी आज लाखों में कमा के बैठे हैं। 1 रुपया लीड पे नहीं खर्चे किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। तो बिल्कुल भाई जिससे बड़ा जीता जाता, उदाहरण क्या चाहिए। बिल्कुल, ये ट्रिक आपको भी सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है। हर चीज़ के बस अपने बेनिफिट होते हैं, वो आपको चीज़ें बताई जाएंगी। अंकित सर का हम पर्सनल सेशन रखेंगे, पर्सनल टाइमिंग रखेंगे 9:30 बजे के सेशन के अंदर, ठीक है। तो पर्सनल अपनी ट्रिक्स भी ये शेयर करेंगे, कैसे क्या चीज़ें कर रहे हैं। सो गाइस, आज का हमारा होल एफएम यहीं पर ही खत्म होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे अंकित जी, जिन्होंने लगभग 2.5 महीनों के अंदर 3.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट करी है, जिसमें से लगभग 60% पैसिव इनकम है और सफायर रैंक हिट करा है। तो अभी नेक्स्ट लेवल पर मिलेंगे इनसे, डायमंड रैंक के ऊपर गाइस, ठीक है।